हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है बजाज की चेतक। अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो ये स्कूटर जो है एक बार आपको देखनी चाहिए और मेरे रिव्यू से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या एक स्कूटर लेने से पहले देखना चाहिए और ये स्कूटर उस संदर्भ में यानी कि उस मामले में कितना ज़्यादा पास होती है, कितना हम उसको नंबर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या टेस्ट करूँगा। मैं टेस्ट करूँगा कि ये चढ़ाई पे कैसे चढ़ती है, दो लोडिंग के साथ कैसे चलती है, स्पीड पिकअप कैसा है। उन सभी चीज़ों से पहले मैं आपको इसमें फ़ीचर्स क्या क्या मिलते हैं उसको बताता हूँ। सामने से देखेंगे तो सबसे पहले आपको हेडलाइट में जो है DRL लाइट्स दिखाई देंगे, इसी के अंदर जो है उसके बाद आपको LED लाइट्स भी मिलेगी। रात की रोशनी में काफ़ी अच्छी लगेगी, इतनी कड़ी धूप है उसको बावजूद भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा शानदार ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे जैसे ही हम देख उसको टच करते हैं तो हमको फील होता है कि ये बहुत ही अच्छी मेटल बॉडी की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो टूटने का जो खतरा होता है वो थोड़ा यहाँ कम होता है नॉर्मल किसी भी स्कूटर मुकाबले। कुछ चीज़ें हालांकि यहाँ अभी भी आपको फाइबर की देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्टली जो बॉडी जो है वो टूट जाती है, बड़ी बॉडी होती है वो आपको यहाँ मेटल की देखने को मिलेगी। और टायर साइज़ यहाँ पे आपको 12 इंच का देखने का मिलता है और अलॉय का डिज़ाइन आपको बिल्कुल न्यू देखने को मिलेगा। इसके जो सॉकर्स भी हैं वो नॉर्मल टेलीस्कोपिक से थोड़ा हटके होते हैं। ये कैसा कंफर्ट देता है वो मैं आपको चलाने के दौरान बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको LED जो है वो इंडिकेटर भी मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके आगे देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट डिजिटल जो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें सब कुछ आपको डिजिटली जो है वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो हमें न्यूट्रल दिखाई देगा, साइड स्टैंड दिखाई देगा। इसमें और फीचर्स हैं जैसे कि इसमें कोई भी चाबी नहीं लगती है। इसका जो की है वो कीलेस एंट्री की तरह काम करता है कि जैसे ही आप स्कूटर के नज़दीक आते हैं लगभग 1.5 मीटर के अंदर ये स्कूटर अपने आप अनलॉक हो जाती है। उसके बाद इस बटन को आपको दबाकर इस स्कूटर को चलाना होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो देखें हम तो बहुत सारे स्विचेस दिए गए हैं, जैसे ये इंडिकेटर्स हो गए। यहाँ पे आप जो भी इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करिएगा, जैसे ये नेविगेशन हो गया, यहाँ पे म्यूज़िक हो गया, यहाँ पे मेनू हो गया, यहाँ पे अलार्मिंग हो गया, तो ये सारे आप टॉगल कर सकते हैं। यहाँ से अप एंड डाउन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स बटन, इसको दबा के आप रिवर्स कर सकते हैं। ड्राइव बटन यानी कि इसको दबा के आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल में रहती है ताकि कोई अचानक से एक्सलेटर ना ले ले जिससे ये आगे ना चली जाए। और यहाँ पे देखेंगे तो इसको प्रेस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आगे वाला खुल जाता है, और अगर ऊपर की ओर दबा के लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारा अंडर सीट स्टोरेज जो है वो बूट स्पेस ओपन हो जाता है। तो बूट स्पेस में लगभग एक हेलमेट रखने की आराम से आपको जगह मिल जाती है। और इसका मैं एक एडवांटेज आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब एडवांटेज ये है कि जैसे ही आप इसको आप चेक करते हैं तो इसमें डायरेक्ट, जैसे कि आप पुराना CPU आपने देखा होगा वो वाला केबल इसमें डायरेक्ट लग जाता है। इसमें जो नॉर्मल जो एक रेडियो जैसा चार्जर होता है वो यहाँ नहीं होता है, तो आपको कोई भी चार्जर चोरी होने का खतरा नहीं है, चार्जर बाहर लटका रहे वैसा खतरा नहीं है। बस एक वायर, सिंगल वायर लगाने से आपका स्कूटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आइए अब इसके मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो कि बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, सीट आराम से जो है वो नीचे जा रही है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, झटके में जो है वो अप एंड डाउन नहीं हो रही है। इसका मोटर जो है इसके व्हील में डायरेक्ट फिट है, विथ यहाँ पे आपको एक छोटा सा गियर बॉक्स जो कि टॉक कन्वर्टर यानी टॉक को अच्छा से अच्छा जो है चक्के में पहुँचाने के लिए काम करता है। इसके चक्के में कोई मोटर यहाँ पे नहीं है, यानी कि उस साइड लगाया हुआ है। और बैटरी जो है वो जहाँ जैसे नॉर्मल हमारे स्कूटर्स में इंजन होता है उसी जगह पर बैटरी देखने को मिलती है। इसी कारण से इसमें आपको अच्छा अंडर सीट स्टोरेज मिलता है जिसमें आराम से आप एक हेलमेट रख सकते हैं। इससे आपको 4.2 किलोवाट की पावर मिल जाती है और बैटरी कैपेसिटी आपको 3.2 किलोवाट की मिलती है। साढ़े चार घंटे में यानी 4.5 आवर्स में ये जीरो से फुल चार्ज हो जाती है। और इसके अलावा हम देखें तो इसमें आगे भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने आपको ये बूट स्पेस दिखाया, ये सिंगल प्रेस से यहाँ पे ये अनलॉक हो जाती है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका मोबाइल चार्जिंग का जो है पोर्ट मिल जाता है, तो मोबाइल आप चार्ज में लगा के अंदर रख सकते हैं। फर्स्ट एड के लिए यहाँ मिल जाता है, प्लस टूल बॉक्स अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो उसके लिए है। और ये जो है बीप कर रहा है, और अगर आपका कोई भी चीज़ जैसे अंडर सीट स्टोरेज जो ओपन रहेगा तो ये बीप करके जो है साउंड देता है। और इसके साइड मिरर्स आपको बहुत खूबसूरत मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बनाई गई है। हालांकि ये थोड़ी सी छोटी है इन कंपैरिजन टू अदर मिरर्स, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बनाई गई है तो आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए इसको हम चलाकर देखते हैं कि चलाने में कैसी है। तो चलिए इस स्कूटर को चलाना शुरू करते हैं। चलाने के लिए यहाँ पे ब्रेक दबा के यहाँ पे ड्राइव बटन को दबाना होता है, जिससे ये चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, एक इको जो कि अभी चल रही है और एक स्पोर्ट मोड मिल जाता है, तो दो मोड्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि इसका सॉकर कैसा काम करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं मिट्टी पर चला रहा हूँ जो कि नदी से अपने आप फॉर्म होती है, जिसमें काफ़ी गड्ढे होते हैं, तो आपको ओवरऑल अंदाज़ा लग रहा होगा कि कैसी चलती है।
बाकी इसके चलाने की बात करें तो मुझे काफ़ी मतलब हल्की लग रही है चलने में, ऐसा एक्सीलेटर पे कोई दबाव नहीं है, कंफर्ट में स्कूटर इधर उधर मतलब लेफ्ट एंड राइट जो है वो दबाव नहीं बना रही है। और जब मैं स्पीड की बात करें तो लगभग मैं 30 के स्पीड में भी हूँ तो भी जो बर्दाश्त करने की इसकी क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसको बर्दाश्त भी कराता हूँ यहाँ पे तो सॉकर जो है वो बर्दाश्त कर लेती है। अब यहाँ पे मेरे सामने आ गया है एक चढ़ाई, अब इस पे मैं इसको चढ़ाऊँगा जिसमें हम दो चीज़ चेक करेंगे कि इसका हील होल्ड असिस्ट कैसे काम करता है, प्लस ये इसको इस पे चढ़ा पाती है कि नहीं। और ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए मैं आप साइड एंगल भी एक कैमरा आपके लिए दिया है मैंने कि आपको और अच्छे से पता चले। तो मैं इस पे चढ़ा रहा हूँ, बहुत हल्के पैरों से यहाँ पे चढ़ा रहा हूँ। एक बार मैं आपको थोड़ा ज़ोर से दिखाता हूँ वरना आपको लगेगा कि इसमें पावर ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही तेज तरीके से चढ़ाता है, और जब से ही यहाँ पे लाते हैं देखिए हील्ड होल्ड असिस्ट जो है वो काम करने लगता है। हालांकि हील्ड होल्ड असिस्ट जो है वो बहुत लंबे समय तक अटका नहीं रहता है। जैसे कि मैंने इसको आगे किया, मैंने ब्रेक लगाया, देखिए थोड़ा देर के लिए पकड़ के रखेगा थोड़ा देर के लिए, लेकिन ये उसके बाद जो है रिलीज़ कर देगा, यानी 3 सेकंड तक जो है हील्ड होल्ड असिस्ट काम करता है ताकि आप दोबारा एक्सीलेटर लेने के लिए तैयार हो जाएं, उस चीज़ के लिए रखता है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल बहुत ही तिरछी गाड़ी खड़ी है फिर भी चढ़ा ले रहा है। फिर मैं यहाँ पे आपको देखूँ और यहाँ पे फिर देखिए हील्ड होल्ड असिस्ट जो है यहाँ पे काम कर रहा है, 1 2 3 यस। तो ये 3 सेकंड का हील्ड होल्ड असिस्ट यहाँ पे काम करता है, क्योंकि ये चलाने में बहुत स्मूथ लगती है। अगर आप इसको चलाने के बाद एक इंजन वाली स्कूटर चलाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना ज़्यादा वाइब्रेशन है, कितना ज़्यादा साउंड है। इवन अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी आप चलाइएगा तो उसके भी मोटर में कुछ ना कुछ साउंड होता है, जो कि इसके मोटर से मुझे किसी टाइप का साउंड अभी सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा हेलमेट भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल से, तो ये भी आप मान सकते हैं कि हल्का फुल्का होगा, लेकिन मिनिमम से मिनिमम मैंने जो नोटिस किया है कि क्योंकि मैं सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इसी हेलमेट के साथ यूज़ करता हूँ, चलाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई साउंड है। इसमें बाकी सभी के मुकाबले सबसे कम साउंड है इसके मोटर में, मतलब है ही नहीं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं 40 के स्पीड में चला रहा हूँ, ये स्कूटर हैंडलिंग में बहुत हल्की है नॉर्मल, क्योंकि इसका वज़न लगभग 134-135 केजी के आसपास है, 134-135 केजी की स्कूटर होने के बावजूद भी ये अपने सेगमेंट में बहुत हल्की है ये स्कूटर, सॉरी मतलब बहुत हल्की महसूस हो रही है चलाने में ये स्कूटर। तो ये इसकी एक अच्छी बात है, इसका टायर नहीं जकड़ रहा है, इसके हैंडल जो है वो भारी महसूस नहीं हो रहा है, कहीं आप टर्न ले रहे हैं या फिर हाई स्पीड्स में चला रहे हैं उस समय भी, तो इन दोनों केसेस में ये अच्छी चल रही है। तीसरा मैं बात बताता हूँ कि इसका स्पीड कैसा है, अगर हम 0 से 100 जितना भी इसका टॉप स्पीड जाता है आई डोंट नो राइट नाउ, तो हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें लगभग 73 कंपनी क्लेम करती थी जो कि मैंने ब्राउज़र में देखा, बट आई थिंक कि ये उससे ज़्यादा जाती है, और मैं अभी सिर्फ इको मोड में देख रहा हूँ, और इको मोड में यहाँ पे 70 का स्पीड जो है वो देख पा रहा हूँ कि 70 का स्पीड आपको इसमें मिल जा रहा है सिर्फ इको मोड में। यहाँ अगर ड्राइव बटन आप दबाते हैं तो इको और स्पोर्ट मोड जो है वो चेंज हो जाता है। तो स्पोर्ट मोड में मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ, इसमें बैटरी लगभग 34% है, बहुत ज़्यादा बैटरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या ये नॉर्मल स्कूटर की तरह जब बैटरी लो होती है तो अपनी स्पीड को कम कर देती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग 74-75-76 तो हो चुका है, यहाँ पे बहुत आसानी से इसने 80 के आसपास टच कर लिया। मैं और ज़्यादा अगर लंबा स्ट्रेच करूँ तो मुझे लगता है कि मैं 80-85 भी लेके चला जाऊँगा। हालांकि कंपनी कम क्लेम करती है, यानी कि इसके जो मैन्युफैक्चरर्स टीम है वो जितना इसकी कैपेबिलिटीज़ है उससे थोड़ा छुपा कर ही रखती है, जैसे स्पीड हो सकता है माइलेज में भी ऐसा ही हो, क्योंकि माइलेज इसमें आपको कंपनी क्लेम लगभग 126 किलोमीटर का करती है ऑन द फुल चार्ज। अगर आप इसको लगातार इको की स्पीड में 40 की स्पीड में चलाते हैं तो हो सकता है इससे ज़्यादा दे दे, लेकिन ये चेक करने वाली बात है। अभी आप मेरे मुँह से इसको कन्फर्म ना माने, कंपनी क्लेम जो बोलती है उसको आप मान के चलिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक बार इसको कंप्लीट माइलेज टेस्ट भी करें। तो चलिए ये मेरा रिव्यू है इसको लेके कि बहुत ही स्मूथ चल रही है, मतलब नॉर्मल अगर किसी भी स्कूटर को मैं चलाता हूँ मोटरसाइकिल के मुकाबले तो मेरा स्पीड अपने आप कम हो जाता है। लाइक अगर मैं मोटरसाइकिल को 80 के स्पीड में चला रहा हूँ तो मेरा स्कूटर का स्पीड जो है अपने आप कम हो जाएगा, अगर मोटरसाइकिल को 50 के स्पीड में चला रहा हूँ तो मेरा स्कूटर का स्पीड जो है फिर से अपने आप कम हो जाएगा। बट इन दैट केस कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा स्कूटर का स्पीड जो है वो रेगुलर 50 है, तो ये एक अच्छी बात है, मतलब नॉर्मल स्कूटर्स के मुकाबले अगर मैं चेक करूँ इसको तो ये एक अच्छी बात है। इसकी हैंडल कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, हैंडल लेफ्ट राइट किधर भी
भागने की कोशिश नहीं करता है। इवन अगर आप जब एक्सेलेरेटर लेके इसको छोड़ते हैं तो अचानक से ब्रेक लगने जैसा जो है वो फीलिंग नहीं आता है, स्कूटर स्मूथली जो है वो आगे बढ़ती रहती है। अभी मैंने नहीं रखा, आपने सोचा ले रखा होगा, ये ऐसा नहीं है, बहुत स्मूथली जो आगे बढ़ते रहती है। तो ये इसकी कुछ खासियत जो है मुझे दिखाई देती है। चलिए मैं इसका रिवर्स फीचर आपको जो है वो डेमो करके दिखाता हूँ। तो इसके रिवर्स फीचर कैसे काम करता है और डेमो भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी ड्राइव मोड में है तो यहाँ पे एक आर का बटन है, इसको मैं यहाँ ब्रेक दबा के लॉन्ग प्रेस दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए रिवर्स में जो है वो चेंज हो जाएगा आर, और बीप जो है वो करने लगेगा। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसको कंप्लीट ऐसे मतलब पूरा पीछे करूँगा मैं, तब ये पीछे हो जाएगी, और फिर सिर्फ एक ड्राइव बटन दबाने से जो है ये आगे की ओर चलने लगती है। और काफ़ी ज़्यादा पिकअप है, अगर आप इसको नहीं चलाते हैं वो शिकायत नहीं कर सकते हैं। इवन पीछे का चक्का भी जो है वो स्पिन कर जाता है, तो ये चीज़ नहीं शिकायत कर सकते हैं कि नॉर्मल इंजन वाली से इसमें कम पावर है। इसमें इवन डेफिनेटली ज़्यादा पावर है नॉर्मल इंजन वाले स्कूटर से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा पावर यहाँ देखने को मिलती है। मैं फिर से एक बार आपको रिवर्स दिखाता हूँ बेटर कंफर्मेशन के लिए। तो इसको पूरा जब आप लास्ट में लेके जाते हैं तब ये हल्के हल्के स्लोली जो है वो पीछे जो है वो लेना शुरू करती है, जिससे जो है आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। क्योंकि अगर हल्के एक्सेलेरेटर पे अगर लेना शुरू करें तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी लोग ज़्यादा ले लेते हैं तो जल्दी पीछे चली जाती है, इसीलिए इसका शायद ये लास्ट मोमेंट पर जो है वो रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। तो वो भी एक अच्छा मतलब सेफ्टी के अनुसार ये मुझे अच्छा फीचर लगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये है बजाज की चेतक प्रीमियम। प्रीमियम में भी दो प्राइसेज आते हैं, एक 135 है और एक है 144, कुछ आगे 100 रुपये आगे पीछे है, तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ये एक्सोरूम प्राइस मैंने आपको बताया, तो ये प्राइसिंग इसकी आती है। उसके बाद ऑन रोड प्राइस जो भी आपके शहर में आए, आप नज़दीकी अपने चेतक के शोरूम में जाके या फिर ऑनलाइन इंक्वायरी के साथ आप टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं, जाके वहाँ चेक करें। अगर आप पटना में रहते हैं तो बिहार का एक लौता शोरूम पटना में अभी खुला हुआ है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस की डिटेल सारी दे दूँगा, तो आप कॉल करके जाकर टेस्ट राइड ले सकते हैं कि आपको ये चलाने में कैसी लग रही है। मुझे ये चलाने में ठीक लग रही है। इसके डाउन पॉइंट्स है कि कंपटीटर्स के मुकाबले इसकी माइलेज जो है वो कम सो की गई है, जो कि 126 है। इसके 155,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आना चाहिए, तो उसके मुकाबले दूसरा चीज़ है इसकी टॉप स्पीड। लेकिन टॉप स्पीड मुझे ठीक लगा कि 80 तक तो स्कूटर चल जा रही है। हालांकि दूसरे स्कूटर थोड़े ज़्यादा टॉप स्पीड क्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 80 चली जा रही है और बहुत अच्छे पिकअप के साथ जा रही है, 4.2 किलो के मोटर के साथ जा रही है, तो वो भी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ आप इसमें पॉजिटिव व्यू जो है ले सकते हैं और निगेटिव व्यू ले सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि खुद भी एक बार चला कर देखिए और एक बार इंतज़ार कीजिए मेरे इसके कम्प्लीट रेंज टेस्ट का, कि रेंज टेस्ट आपको इसमें कैसा मिलती है। वारंटी और गारंटीज जो है वो आप जब शोरूम पे टेस्ट करने जाइएगा तो उस समय आपको जरूर पता कर लेना चाहिए। होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस स्कूटर से रिलेटेड दी होंगी। बाय बाय।